टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है और इस T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया में बहुत से बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि इस T20 वर्ल्ड कप के बाद ही टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ का कोचिंग कार्यकाल समाप्त हो गया। और अब इसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है कि BCCI ने टीम के हेड कोच का ऐलान कर दिया है। गौतम गंभीर को टीम इंडिया का नया हेड कोच नियुक्त किया गया है और गंभीर को नई टीम इंडिया बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। गौतम गंभीर जल्द ही टीम इंडिया के साथ जुड़ेंगे और अपनी भूमिका निभाएंगे। आपको बता दें, गौतम गंभीर के ऊपर T20 टीम बनाने की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इस T20 वर्ल्ड कप के बाद बहुत से खिलाड़ियों ने संन्यास ले लिया है और उसके बाद अब नई टीम बनाने की जिम्मेदारी गंभीर के ऊपर है। गौतम गंभीर ने पहले भी अपनी शर्तों में इस बात को जाहिर किया था कि उन्हें तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग टीम चाहिए। वहीं गौतम गंभीर के कोचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो गंभीर को कोच के रूप में भी अच्छा एक्सपीरियंस है। उन्होंने IPL में KKR के लिए मेंटोर के रूप में अपनी भूमिका निभाई और KKR की टीम को 10 साल बाद चैंपियन बनाया। आपको बता दें, उन्होंने लखनऊ की टीम के लिए भी IPL में मेंटोर के रूप में काम किया था और IPL में दो बार LHG की टीम को भी प्लेऑफ तक पहुंचाया। अब गंभीर से उम्मीद होगी कि वो टीम इंडिया के लिए अपने कोचिंग से कमाल दिखाएं और आने वाले बड़े ICC इवेंट में टीम को जीत दिलाएं।